हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे स्क्वेयर फुट। स्क्वेयर फुट का क्या मतलब होता है कि अगर हम कहीं पे बात कर रहे हैं एक स्क्वेयर फुट, तो एक स्क्वेयर फुट का साइज़ कितना है, कितना एरिया वो कवर करता है, और स्क्वेयर फुट को हम फुट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहले आपको मैं बता दूं, जैसे आप एरिया मेजरमेंट करते हो, कोई आपके पास ज़मीन है, कोई प्लॉट है, उसको मेजर करते हो, आपने वहाँ पे जनरली देखा होगा या वहाँ पर आपने सुना होगा स्क्वेयर फुट। तो वो हम समझ लेते हैं पहले स्क्वेयर फुट का मतलब क्या है। फुट और स्क्वेयर फुट ये क्या सब क्या चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बेसिक से एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक स्क्वेयर फुट किसके बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पर, मान के चलो ये हमारे पास कोई एरिया है, क्लियर हो गया, ऐसे मान के चल लेते हैं हम, ठीक है। ये मान के चलते हैं हमारे पास कोई एरिया है, कुछ भी आप मान के चलो, कोई प्लॉट है हमारे पास, ठीक है। ये डायमेंशन है इसकी, ठीक है, इस तरह से डायमेंशन है, इसको हम रेक्टेंगल मान के चलते हैं, ठीक है, जो मर्जी मान लो आप। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये जो लेंथ है, या इसको लेंथ मान सकते हो आप, ये जो लेंथ है हमारे पास, ये जो एरिया की लेंथ है हमारे पास, हम ये मान के चलते हैं कि ये है हमारे पास, मान के चलो ये हमारे पास 50 है, ठीक है, ये हमारे पास 50 फीट है, ठीक है। अब यहाँ पे फुट और फीट में अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है, तो फुट सिंपल है, सिंगुलर, और फीट हमारे पास प्लूरल है। जैसे एक बात में तो एक फुट बोलेंगे, अगर 10, 20, 30, 40 के टर्म्स में बात करेंगे तो हम वहाँ पे फीट यूज़ करेंगे, FEET यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 50 फीट का एरिया आ गया, ठीक है, सॉरी एरिया नहीं, ये हमारे पास लेंथ है 50 फीट। इसी तरह से अगर हम इस डायमेंशन की बात करें, तो ये मान के चलो हमारे पास 10 फीट है, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं हमारे पास 10 फीट है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ये वाली लेंथ भी हमारे पास 50 है, और ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 फीट है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जब हम एरिया की बात करते हैं, सबसे पहले स्क्वेयर फुट क्या है, स्क्वेयर फुट हमारे पास एरिया की यूनिट है। हम जब भी हम एरिया की बात करते हैं, तो हम उसे स्क्वेयर फुट में, हम उसको जो मेजरमेंट है वो स्क्वेयर फुट में करते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी एरिया मेजर कर लो, स्क्वेयर फुट की टर्म में मेजर करोगे, हो सकता है यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर स्क्वेयर बोल लेंगे, या स्क्वेयर सेंटीमीटर बोलेंगे। अगर यहाँ पे यूनिट फुट की जगह, अगर मान के तो यहाँ पे फुट नहीं होता, mm होता, तो हम स्क्वेयर mm या फिर mm स्क्वेयर में एरिया मेजर करते। यहाँ पर जब हम फुट की बात करें, यहाँ पे लेंथ और विड्थ जब हमारे पास फिट में या फुट में आती है, तब हम एरिया जो है स्क्वेयर फुट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास कुछ एरिया था, वहाँ पे 50 फीट और 10 फीट की उसकी लेंथ विड्थ था, इस तरह से। अब यहाँ पर जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, तब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया कैसे। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास पता है, एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे इस केस में हमारे पास लेंथ कितनी है, इस केस में हमारे पास एरिया किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ है हमारे पास 50 और हमारे पास विड्थ है यहाँ पे 10, तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 500 स्क्वेयर फिट, ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है, 500 स्क्वेयर फिट का हमारे पास एरिया आएगा, इतना क्लियर हो गया। ये जो स्क्वेयर फिट हम बात करते हैं, हमेशा एरिया की बात करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते ये जो लेंथ है, या फिर आप ऐसा कह सकते जो व्हाइट बोर्ड है इसकी जो ये जो विड्थ है ये इतने स्क्वेयर फुट है, वो हम विड्थ को या फिर लेंथ को सिर्फ हम स्क्वेयर फुट में नहीं बात कर सकते। हम अगर बात करें पूरे व्हाइट बोर्ड का एरिया कितना है, तब हम उसको स्क्वेयर फिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे पास जैसे ये विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी है, हम इसकी चौड़ाई को बोलते हैं कि इसकी चौड़ाई जो है 10 स्क्वेयर फिट है, वो नहीं बोल सकते। हम जब एरिया की बात करेंगे, उसी को हम स्क्वेयर फुट में कैलकुलेट करेंगे, क्लियर हो गया। अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा कि एक स्क्वेयर फिट का साइज़ कितना होता है, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा पाओगे कि अगर हम कहीं पर 50 स्क्वेयर फुट की बात कर सकते हैं तो कितना बड़ा एरिया है, कहीं पर अगर हम 1000 स्क्वेयर फुट की बात कर रहे हैं तो एरिया कितना बड़ा होगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक स्क्वेयर फुट के साइज़ का पता होना ज़रूरी है। ये तो आपको समझ आएगा ना, स्क्वेयर फुट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल लेंथ, और अगर हमारे पास इस तरह से डायमेंशन है तो हम लेंथ और विड्थ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास एरिया आ गया। अब हम पहले बात कर लेते हैं स्क्वेयर फिट की, एक स्क्वेयर फिट किसके बराबर होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास ये मेजरिंग टेप है, ठीक है, मेजरिंग टेप पर भी अलग से वीडियो है, आप चाहो तो आप जाके हमारी प्ले लिस्ट ना भी जाओ, आप ऊपर मेजरिंग टेप और हमारे चैनल का नाम लिख सकते हो, मेजरिंग टेप अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स लिखोगे, आपको वीडियो मिलेगी मेजरिंग टेप की, वहाँ पर आपको बताया इस मेजरिंग टेप के बारे में सब कुछ, कैसे इसमें यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से इसे समझा जाता है, किस तरह से इसे रीडिंग्स ली जाती हैं, सब कुछ आपको बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने। अब हम चलते हैं एक स्क्वेयर फुट की तरफ, एक स्क्वेयर फुट किसके बराबर होता है। मान के चलो कि हमारे पास ये मेजरिंग स्केल है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो मेरा थंब है, दोनों थंब की बात करो, ये जो हमारे पास एरियाज के बीच का वो 1 फुट का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने मार्क पहले लगा के रखे हैं यहाँ पे, सिंपल सिंपल जाके वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना बने। तो यहाँ से लेके अगर मैं 1 फुट ले जाना चाहूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है 1 फुट हमारे पास, ठीक है, इसके बीच का और इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास 1 फुट है, क्लियर हो गया। वैसे मैं नीचे की तरफ बात करूँ, लेंथ की बात करूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास
जो मार्क दिखाया है यहाँ तक हमारे पास 1 फुट आ रहा है। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बात करूँ 1 फुट, और वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बात करूँ तो ये 1 फुट का एरिया आ रहा है, ठीक है। इन सभी को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ सिंपल तरीके से, तो ये हमारे पास, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सभी डायमेंशंस 1 फुट है, ये भी 1 फुट है, ये वाली डायमेंशन भी 1 फुट, ये भी 1 फुट, और ये भी 1 फुट हमारे पास डायमेंशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ जहाँ अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा, अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँ तो कैसे करूँगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 स्क्वेयर फुट आंसर आ गया। तो यानी कि ये जो एरिया है जिसका 1 फुट लंबाई और 1 फुट चौड़ाई होती है, उसे हम कहते हैं 1 स्क्वेयर फुट। तो आपके सामने साइज रहा, ये जो साइज है, ये जो आपको साइज दिख रहा है, ये है 1 स्क्वेयर फुट। यानी कि 1 स्क्वेयर फुट जो है वो इतना साइज होता है। अगर कहीं पे कहा जा रहा है 5 स्क्वेयर फुट कितना है, तो ऐसे 5 बॉक्स बना लो, जितना एरिया वो कवर करेंगे वो हो गया 5 स्क्वेयर फुट। जब मैंने यहाँ पे 500 स्क्वेयर फुट की बात करी, इसका मतलब कि इस तरह के 500 डिब्बे वहाँ पे बनेंगे, आप ऐसे कह सकते हो। अगर मैं कभी 1000 स्क्वेयर फुट की बात करता हूँ, तो इतने इतने बॉक्सेज या इतने इतने एरिया की बात कर लो, इस तरह के 1000 टुकड़े कर दो, तो उसको 1000 टुकड़ों को कंबाइन कर दो, आप वो बोलोगे 1000 स्क्वेयर फिट। तो आपको यहाँ पे 1 स्क्वेयर फिट का समझ आ रहा होगा। इस व्हाइट बोर्ड का सिर्फ इतना जो पोर्शन है, ये हमारे पास 1 स्क्वेयर फिट है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट देख सकते हो कि व्हाइट बोर्ड कितने स्क्वेयर फुट है। अगर व्हाइट बोर्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम इसकी फिर से वही लेंथ और विड्थ को मेजर करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि पूरा व्हाइट बोर्ड कितने स्क्वेयर फुट का है। क्लियर हो गया। अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या करके बताना है, आपको बताना है कि जहाँ पर भी आप रहते हो, जिस भी एरिया में हो, जिस भी सिटी में हो, जिस भी स्टेट में हो, जहाँ पर भी आपका लोकेशन है, वहाँ पर 1 स्क्वेयर फुट एरिया की अगर हम बात करें, ज़मीन की बात कर रहे हैं, इस 1 स्क्वेयर फिट का रेट कितना है, आपको वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कि आपको पता है कि आपके एरिया में जो 1 स्क्वेयर फुट उसका कितना रेट चल रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ से आपको इतना समझ आ गया होगा कि स्क्वेयर फुट का मतलब क्या होता है। जब भी हम एरिया की मेजरमेंट करते हैं, एरिया के मेजरमेंट में जब भी हमें लेंथ विड्थ वगैरह जो भी डायमेंशन हैं, अगर वो फिट में गिवन है या फुट में गिवन है, जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास एरिया आएगा वो हमेशा स्क्वेयर फुट में आएगा। क्लियर हो गया। तो फुट और फिट में डिफरेंस बता दिया। फुट जो अगर हम एक की बात करूँ तो 1 फुट, अगर एक से ज़्यादा बात करूँ जैसे 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, तो मैं फुट नहीं, मैं फीट बोलूँगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। स्क्वेयर फुट, स्क्वेयर फिट वगैरह सब कुछ समझ आ गया। स्क्वेयर फुट कैलकुलेट कैसे करना है वो आपको समझ आ गया। 1 स्क्वेयर फुट कितना होता है वो आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये नहीं कि अगर आपके पास ये, आपको मैंने डायमेंशन दे दी, मैंने आपको कह दिया कि ये जो डायमेंशन है, ये जो साइज़ था, ये 50 सेंटीमीटर है, और ये जो साइज़ है मेरे पास 10 सेंटीमीटर है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारे पास, तो हमारे पास 500 सेंटीमीटर स्क्वेयर आएगा, या 500 स्क्वेयर सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे फुट नहीं बोलना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में गिवन थी ना, जो भी डायमेंशन होगी उसका स्क्वेयर हो जाएगा। अगर फुट था तो स्क्वेयर फुट हो गया, सेंटीमीटर था तो स्क्वेयर सेंटीमीटर, मीटर है तो स्क्वेयर मीटर, इस तरह से आप बोलते हो, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या हम स्क्वेयर फुट को, अगर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो एरिया था मेरे पास ये 500 स्क्वेयर फिट था, अब इसे फुट में आप कन्वर्ट कर सकते हो क्या? 500 स्क्वेयर का जो फिट का एरिया है, इसे हम फुट में कन्वर्ट कर सकते हैं? यानी कि क्या हम स्क्वेयर फुट को फुट में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्क्वेयर फुट जो है वो एरिया के यूनिट है, वो हमको बता रहे हैं कि एरिया कितना है इसका, ये जगह कितनी है, ये आपको स्क्वेयर फुट के टर्म्स में, एरिया के टर्म्स में जब बात करते हैं तो स्क्वेयर फुट के बारे में पता लगता है। जबकि फुट की बात करें, फुट तो उसके सिर्फ एक डायमेंशन को बता रहा है ना, सिर्फ एक डायमेंशन को बता रहा है। तो अब इस एरिया को सिर्फ एक सिंपल डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि देखो मैं क्या करता हूँ, 50 फुट ये है, 10 फुट या 60 फुट, और 50 फुट 110 फुट, और ये 10 फुट 120 फुट, तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर दूँ, तो ये 110 फुट जो आपके पास आ रहा है, जिसका पैरीमीटर आ रहा है, ये इसका पैरीमीटर है। पैरीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो सिंपल फुट में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर पैरीमीटर है, जैसे ये आप चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दो, कितना एरिया कवर कर रहे हो, वो पैरीमीटर है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो सिंपल फुट में। ये आपने कर दिया 110 फुट, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। 100 फुट और 10 10 20 फुट, 120 फुट इसका जो पैरीमीटर आ गया वो अलग बात है। लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं, एरिया को सिंपल आप लेंथ में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि एरिया एरिया एक अलग चीज़ है और लेंथ हमारे पास एक अलग चीज़, दोनों यूनिट्स अलग अलग है, उन्हें एक दूसरे में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। तो ये था हमारी आज की वीडियो में स्क्वेयर फुट वगैरह के बारे में। बाकी किसी भी तरह का डाउट है इस वीडियो को